हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा सत्यापाल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 15, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फॉर क्लास 9। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मल्टी क्रॉपिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप रोटेशन वाइट रिवॉल्यूशन एंड मैनीमोर। तो इस चैप्टर में ये जो हमने पॉइंट्स लिखे, मल्टी क्रॉपिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रॉप रोटेशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सब जो हमारे पॉइंट्स हैं या इनके डेफिनेशन या इनका जो मेन पर्पस था, मेन एम था, क्या था? फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाने का था। हमें जो बाकी चैप्टर पढ़ना है उसमें हमें काफी टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ने हैं या फिर काफी टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ने हैं कि क्या क्या रिवॉल्यूशन ये मेथड हमने अपनाए थे फूड के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो स्टार्ट है हमारा बैलेंस डाइट से, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट है कि प्रॉपर अमाउंट में फूड लेना जो हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। क्या प्रॉपर अमाउंट में वो फूड लेना जो सफिशियंट है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्या है? बैलेंस डाइट है। क्या है? बैलेंस डाइट है। सो बैलेंस डाइट में हमारे पांच मेन न्यूट्रिशन आते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। जिसमें अब हमें इसके आगे पढ़ना है मैक्रो विटामिन के साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इन पांच न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होंगे जो बॉडी को इतने ज्यादा नीड नहीं होगी, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ऐसे भी होंगे जिनको बॉडी में ज्यादा नीड होगी। तो हमें तो बेसिक से स्टार्ट करने की बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट अभी हमने डिस्कस करा था कि प्रॉपर अमाउंट में फूड का लेना जो सफिशियंट हो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में, सो इसने क्या बोला कि वी यू नो डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या मेन जो उनकी डिजायर है, क्या है? फूड है, ठीक है। मेन डिजायर क्या है उनकी? फूड है। फूड करता है क्या है? सप्लाई करता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, विटामिन को, मिनरल को। और इन सबसे हमें क्या मिलता है? बॉडी का इससे डेवलपमेंट होता है, बॉडी की ग्रोथ में काम आता है। अब मेन हेल्थ में, हेल्थ में हमारी हेल्थ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है वो? अ स्टेट वेयर बॉडी, मतलब एक ऐसे स्टेट जहां पे क्या करें वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो एंड सोशली फिट हो। बट यहाँ पे हमें किस पे ऊपर ज्यादा ध्यान देना? फिजिकली फिट के ऊपर बारे में। इट मीन्स कि फूड से जो उसके अंदर फिटनेस आ रही है। हम अगर ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट में बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल क्या है? मेजर सोर्स है फूड के लिए। हमारे ह्यूमन बीइंग्स के बनाए हुआ आर्टिफिशियल फूड के अलावा जो मेन जो खाना है, मेन जो फूड है न्यूट्रिशन के अलावा बात करें तो वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल। हमें ज्यादातर खाना मिलता कहाँ से? या तो एग्रीकल्चर से या फिर एनिमल हस्बेंड्री से। अभी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। व्हाई इज दिस नेसेसरी? इसने क्या बोला कि हम न्यूज़पेपर ना अक्सर ये चीज नोटिस करते हैं कि जो लोग हैं या फिर बाकी गवर्नमेंट या फिर एग्रीकल्चर वाले लोग काफी ज्यादा एफर्ट्स पे करते हैं। किस लिए? फूड के फूड में क्या हो? इम्प्रूवमेंट आए, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री में क्या इम्प्रूवमेंट आए? क्यों ये सब जरूरी क्यों है? इंडिया क्या है? काफी पॉपुलस कंट्री। इट मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितनी है? मोर देन 1 बिलियन पीपल है। तो और अभी भी क्या बढ़ रही है। दैट मीन्स कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। सो अगर हम बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन वाइज में तो इंडिया सेकेंड नंबर पर आती है। इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस्ड कंट्री है। कौन से नंबर पे? सेकेंड नंबर पे। उससे पहले चाइना है, बट अभी ये बोला जा रहा है कि कुछ आने वाले टाइम में हमारी जो इंडिया कंट्री है वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगी पॉपुलेशन के मामले में। सो इंडिया क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। डेट मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। और रिसोर्सेज क्या होंगे? कम होते चल जाएंगे। फूड भी एक टाइप का रिसोर्स है हमारी बॉडी के लिए।
अब जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो हमें जो फूड की अब जो नीड होगी वो भी ज्यादा होगी। वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन वेरी एवरी ईयर। सॉरी, टन्स। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। अब ये होगा कैसे? अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेट मीन्स कि अब जो ग्रेन, जो अनाज है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में नीडेड होगा। तो क्या इसे होगा कैसे? दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन लैंड। ये फार्मिंग से हो सकता है। अभी जितनी फार्मिंग हो रही है इसकी एकदम डबल फार्मिंग करनी पड़ेगी हमें आने वाले फ्यूचर में। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। इंडिया क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसका जो एरिया किसमें है, कल्टिवेशन में है उसका, कि अब उसके बाद हमारे पास इतना ज्यादा मेजर स्कोप नहीं है कि आगे के हम और ज्यादा एरिया किसमें, कल्टिवेशन के अंदर लगा दें। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. इसलिए हमें जो मेन क्या करना है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, किसकी, क्रॉप्स की भी और लाइफ स्टॉक की भी। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेसेस सो फार। उसने बोला कि एफर्ट्स लगाने फूड डिमांड में इंक्रीज, मतलब फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज करके क्या हो गया, सक्सेस सो फार। We had the green revolution which contributed to increase food grain production. Green revolution से क्या हुआ था, food grain की production में उसने बहुत help की थी। और उसके अलावा हमारे पास white revolution था which has led to better and more efficient use as availability of milk. जो green revolution तो main food grain खेलता, और जो white revolution था milk, ये white उन सब चीजों से related था। तो इसमें क्या था, availability। अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, और व्हाइट रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि जो मिल्क की जो अवेलेबिलिटी थी वो क्या थी, काफी ज्यादा बेटर हुई और मोर एफिशिएंट हुई। हाउएवर दीज रिवॉल्यूशंस मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। अब हमें रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साफ साफ इससे क्या होता है, पता चलता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा स्पीड से क्या हो रहे हैं, इंटेंसिवली यूज हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। अब इसमें यह जो रिवॉल्यूशन तो अलग चीज हो गई, इसके अलावा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, काफी सारी चीजें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, हार्म करेगा। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आर एनवायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस मेंटेनिंग इट। तो इसलिए हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज, हाँ ये इम्पोर्टेंट तो है कि हमें फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, बट मेन ध्यान के रखना है कि विदाउट डिग्रेडिंग आर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। हेंस देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अब क्या होता है, इंक्रीजिंग, अब जो ग्रेन प्रोडक्शन में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं वेयर हाउसेज में। तो किसने, उसने क्या बोली, अब इससे क्या हो, तुम चलो तुमने फूड की प्रोडक्शन अच्छी कर दी, वो तुमने स्टोर करना उससे स्टार्ट कर दिया, बट ये क्या करेगा, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और हंगर, भूख की जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। अब पीपल के पास, लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए फूड को परचेज करने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। हमें कोई भी चीज, या कोई भी चीज मार्केट में लाने से पहले, किसी भी चीज के ऊपर सक्सेस होने से पहले, हमें तीन चीजों पर स्पेशली ध्यान देना है कि वो पीपल के लिए इजीली अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो और अवेलेबल हो। अवेलेबल, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो क्या बोला उसने कि फूड सिक्योरिटी, दैट मींस कि डिपेंड करता है दोनों फैक्टर पे, कि फूड की अवेलेबिलिटी भी हो और लोग उसे खरीद भी पाए, दैट मीन्स कि लोग उसे एक्सेस भी कर पाए। द मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं जनरल टर्म्स में, इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर में,
एग्रीकल्चर क्या है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या है, उनके जो रोजी रोटी है। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कंबैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फॉर फ्रॉम फार्म्स। अब इसने बोले कि ठीक है, इसके ऊपर आगे तो वर्क होता है हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसने कुछ एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड एग्रीकल्चर विद लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। बी कीपिंग अलग ऑक्यूपेशन है, फिशरीज अलग है। तो उसने कहा एक फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड एग्रीकल्चर के साथ भी हमें ये सब चीजें साथ में कर लेनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा होगा, एडवांटेज है। अब इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स आता है। सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया और सोरगम हो गया। ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, इंस्टेंट एनर्जी जो चाहिए। पल्सेस लाइक ग्राम, दैट इज चना, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पीजन पी, अरहर, लेंटिल, मशरूम प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। अब ये कुछ चीजें किसने एग्जांपल दिए। प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है, सबसे मेन फंक्शन मसल बिल्डिंग में। प्रोटीन क्या करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसेड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स क्या प्रोवाइड करता है, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, अगर कभी किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक हमें क्या हो, खाना अगर ही प्रोवाइड ना हो हमारी बॉडी को, तो समय क्या करता है, फैट रिलीज करता है वो फूड को जो वहां पे स्टोर रहता है। तो फैट क्या दे रहा है हमें, स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फैट्स के एग्जांपल क्या क्या थे, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसेड एंड सनफ्लावर। वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, अब हमने पहले वाले पैरामीटर में तो किस किस चीज के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा एंड फैट्स के बारे में पढ़ा। ये क्या होते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी को क्या है, ज्यादा अमाउंट में नीडेड होते हैं। बॉडी को सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए एंड फैट्स चाहिए। लेसर अमाउंट में क्या चाहिए, नीड विटामिन और मिनरल की भी होती है, बट इतनी नहीं होती जितनी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की होती है। तो दैट मींस कि विटामिन और मिनरल क्या है, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन। वेजिटेबल, स्पाइस और फ्रूट के प्रोवाइड करता है हमें विटामिन, प्रोवाइड करते हैं। मिनरल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, सॉरी विटामिन मिनरल प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बिर्श एंड ओट्स और सडन ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर देयर लाइफ स्टॉक। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब कौन सी, नॉर्मली सी बात है कि हर क्रॉप को क्या अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। कोई क्रॉप ऐसा भी है जो एकदम हॉट में पैदा हो, ठीक है, एकदम गर्मी वाले एरिया में क्या करेगा, ग्रो करेगा। कुछ क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जो सर्दी वाले रीजन में ग्रो करते हैं। तो क्या है, हर क्रॉप की क्या है, अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल कहाँ होता है, मेस्टली मोस्टली हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो होता है कश्मीर में। क्यों, अगर ये मैं फ्रूट की एग्जांपल लिया कश्मीर, क्योंकि उसको जो वेदर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। और एप्पल जनरली दिल्ली, यूपी, बिहार इन एरिया में नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह काफी ज्यादा हॉट रहता है, ठीक है, काफी ज्यादा गर्मी रहती है, इसलिए यहाँ पे एप्पल क्या कर पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। तो इनके मेन, अब डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स फॉर ग्रेथ देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। प्लांट की ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे। कहते हैं ना कि अगर सूरज की रोशनी पड़े तो प्लांट मुरझा जाएगा, एज भी, क्योंकि सनलाइट क्या एक एनर्जी का सोर्स है प्लांट के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी।
As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. हम सबको पता है कि जो plants अपना खाना कैसे बनाते हैं, photosynthesis एक process है, उसकी help से बनाते हैं. और photosynthesis कब अकर होती है? In the presence of sunlight. There are some crops which are grown in rainy seasons called the kharif season. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ सीजन कहते हैं. जो कब से होते हैं? जून टू अक्टूबर में होते हैं. क्यों क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये बारिश का मौसम होता है. और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं, दैट इज रबी सीजन में. और ये कब ग्रो करते हैं? नवंबर से लेके अप्रैल तक में ये ग्रो करते हैं. पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स. ये कौन से? जो बारिश वाले सीजन में होंगे. ऑन द अदर हैंड, वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसिड आर रबी क्रॉप्स. ये वो क्रॉप्स हैं जो हमें ज्यादातर सर्दियों में देखने को ही मिलते हैं. इन इंडिया देयर हैज बीन अ 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010 विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया. इंडिया ने क्या करा, 1952 से 4 गुना ज्यादा अपना क्या करा है, प्रोडक्शन बढ़ाई है. मतलब उसकी प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट में इंक्रीज करा है. और बस जो कल्टिवेबल लैंड एरिया कितना इंक्रीज करना है, 25%. दैट मींस कि इंडिया काफी जल्दी डेवलप कर रही है. इफ यू थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग. पहली क्या है कि चॉइस, पसंद, मतलब नॉट वैसे वाली पसंद, तो पसंद क्या है सीड को लेके प्लांटिंग के लिए. द सेकेंड इज द नर्सरिंग ऑफ द प्लांट्स, की क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन सबसे रिलेटेड. एंड द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग सॉरी ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम लॉस. दस द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज. अब इन सबको करने के लिए हमें क्या इन चीजों पर ध्यान देना है? पहला क्या है, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट. देन क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट. एंड देन प्रोटेक्शन, वेराइटी, प्रोडक्शन एंड देन प्रोटेक्शन. पहला आता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड. ये किस चीज पर डिपेंड करता है, क्रॉप की वैरायटी को देखने में कि कोई गुड यील्ड को प्रोवाइड करे. वैरायटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक. वैरायटीज या स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप किस चीज में हेल्प करते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, तो ब्रीडिंग के लिए. और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस हो सकते हैं, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी पे अफेक्ट हो सकते हैं, हाई यील्ड पे. वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, क्रॉसेस होते हैं कुछ, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट्स. उन उन प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाना जो प्लांट्स के आपस में डिससिमिलर है, ठीक है, सिमिलर नहीं है, डिससिमिलर है, एक दूसरे डिफर करते हैं. दैट मींस कि वेरिएशंस आ रही है प्लांट में. दिस क्रॉसिंग मे बी इंटरवेरिटल डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज. मतलब अलग अलग वेराइटीज के बीच में हो सकती है, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जेनस. हो सकते हैं कि सेम एक ही जेनस है, ठीक है. जेनस क्या, सेम है, बट स्पीशीज को डिफरेंट ले लिया, या फिर जनरल भी क्या ले लिया, डिफरेंट ले लिया. अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. इसके अलावा अगर हम क्रॉप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस करके, जो क्या करे वो, जो उसकी जो इच्छा है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो डिमांड कर रहा है, उसको मिल जाए. द रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. For now, varieties of crop to be accepted, it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas. अब इससे कहते हैं, जब अभी क्रॉप जो होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा, न्यू वराइटीज ऑफ क्रॉप क्या करेंगे, एक्सेप्टेड होंगे. क्या होते हैं, इट इज नेसेसरी दैट द वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज. फार्मर वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी. फार्मर को क्या मिलनी चाहिए, जो सीड्स की क्वालिटी हो अच्छी होनी चाहिए, विद पर्टिकुलर वैरायटी, वैरायटीज भी होनी चाहिए. द सीड शुड बी ऑल ऑफ द सेम वैरायटी, जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन. कैसी हो, वैरायटी की सेम हो, और जर्मिनेट कैसे करें, सेम कंडीशन के अंदर. कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कल्टीवेशन प्रैक्टिस और क्रॉप यील्ड क्या है, रिलेट करती है वेदर से, सॉइल क्वालिटी से और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से.
सीज वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रिडिक्टेबल। उसने बोला कि वेदर कंडीशन ड्रॉट होना, सूखा पड़ जाना या अचानक से फ्लड आ जाना अनप्रिडिक्टेबल है, कोई पहले से नहीं बता सकता कि ये आएगा ही आएगा। एक अजम्पशन मान सकते हैं बट कोई इसे लिटरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैरायटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। वो वैरायटीज जो किसी भी अलग अलग कंडीशन में ग्रो कर जाए तो वो तो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि हमें जब नीड हो तब ग्रो कर रही है। सिमिलरली वैरायटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर व्हिच व्हिच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर कुछ इंपॉर्टेंट हमें फैक्टर पॉइंट से रिलेटेड। तो पहला क्या है, हायर यील्ड, दैट मींस कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। तो पर एकड़ में क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा यील्ड उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, की क्वालिटी पे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरी क्रॉप टू क्रॉप। अब क्या होता है कि क्वालिटी जो होगी वो क्रॉप प्रोडक्ट की क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगी। अलग क्रॉप होगा तो उसकी अलग क्वालिटी होगी। बेकी क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन वीट प्रोटीन क्वालिटी पर्सेस। अब बेकी क्वालिटी किस चीज पे इंपॉर्टेंट है, वीट पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेकी क्वालिटी क्या है, वीट पे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्वालिटी क्या है, किस पे इंपॉर्टेंट है, पल्सेस पे इंपॉर्टेंट है। ऑयल क्वालिटी, ऑयल सीड्स पे। प्रिजर्विंग क्वालिटी, फ्रूट्स और वेजिटेबल। ऑफ कोर्स वेजिटेबल के अंदर प्रिजर्विंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सके। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिजीज, इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स एंड अबायोटिक ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन। वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। क्या वजह से क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि बायोटिक कुछ इंसेक्ट होते हैं डिजीज की वजह से क्या होता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर हम इन सब चीजों पे वर्क करें, अगर बायोटिक हो गए तो वो क्या, अगर डिजीज हो गया, इंसेक्ट हो गया, जो वेक्टर होते हैं वो सब क्या करते हैं, इनको अफेक्ट कर सकते हैं। या अबायोटिक में बात करें तो सूखा पड़ जाना, वाटर लगिंग होना, हीट होना, तो ये सब चीजें क्या होती है, उसको अफेक्ट कर सकती है। अगर हमारी जो वेराइटीज है क्रॉप की वो इस सिचुएशन में भी क्या कर पा रही है, खुद को संभाल पा रही, तो वो उससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगी। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन क्रॉप की कम होगी, सोइंग मतलब होने की, उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल वेराइटी क्या होगी, बढ़ेगी। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कोई क्रॉप ग्रो कर जाता है तो इससे क्या होगा, फार्मर के पास स्कोप होगा कि वो एक ईयर में नंबर ऑफ क्रॉप क्या करे, ग्रो कर पाए। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रेड्यूसेज द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल रेड्यूशन क्या करती है, क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी डिक्रीज कर देती है। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी क्या करती है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस को इजी बना देती है। रिड्यूस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, और जो लॉस होता है हार्वेस्टिंग के दौरान उसे भी एकदम खत्म कर देती है। देन आता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी, सॉरी एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन। क्या बोला इसने, जितनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डेवलपिंग वेराइटीज, अगर बात करें वाइडर अडेप्टेबिलिटी के लिए, तो किस चीज में हेल्प करती है, क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगी अंदर, मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। एनवायरमेंटल कंडीशन में कितनी सारी कंडीशन आ सकती है। वन वेराइटी कैन बी देन बी शोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। वह एक वेराइटी क्या होगी, किसी भी शो कर सकती है, किसके अंदर, किसी भी उसके अंदर, अलग अलग क्लाइमेट के अंदर। अब आते हैं डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। टॉलनेस और क्या है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग क्या है, इच्छा है फॉडर क्रॉप्स की। ड्वार्फनेस मतलब छोटा, डिजायरिंग ड्वार्फनेस क्या होते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, दैट मींस कि जो वीट वगैरह होते हैं काफी छोटे छोटे से होते हैं ना वो, क्यों, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप्स। क्यों, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स वो कम कंज्यूम हो इन क्रॉप से। दस डेवलपिंग वराइटीज ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर विल गिव हायर प्रोडक्टिविटी। इसलिए इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट,
In India, as in many other agriculture-based countries, farming ranges from small to very large farms. अगर इंडिया की बात करें तो इन मैनी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज की बात करें तो फार्मिंग रेंज क्या करती है, तो बहुत स्मॉल स्मॉल से बड़े फार्म तक जाती है. डिफरेंट फार्मर्स दस है मोर मोर और लेस लैंड मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. इससे क्या होता है कि अलग अलग फार्मर के पास जमीन कम होती है, पैसे कम होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज के लिए नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते उनको. इन शॉर्ट, इट इज द मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज. इसलिए क्या होता है, मनी और फाइनेंशियल कंडीशन क्या करती है, फार्मर को अलाउ करती है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड कर पाए, एक्सेस कर पाए. देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन हाई इनपुट्स एंड यील्ड्स. हाई इनपुट्स या फिर यील्ड्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, दस द फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. Therefore, production practice can be at different levels. They include no cost production, low cost production and high cost production practices. ठीक है, ये कुछ तीन प्रोडक्शन थे जिसमें ये सब वर्क कर सकते हैं. या तो कोई कॉस्ट नहीं होगी, नो कॉस्ट, या फिर लो कॉस्ट होगी, या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होगी. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एडजस्ट एज वी नीड फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ एंड वेल बीइंग. प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉरी वो ग्रोथ प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायर करते हैं ग्रोथ के लिए. न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. अब प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, तीन मीडियम है. पहला कौन सा है, एयर है, वाटर है और सॉइल है. देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स. काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या है, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एयर सप्लाईज कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर. एयर क्या सप्लाई करती है, कार्बन और ऑक्सीजन सप्लाई करती है. हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है. सॉइल क्या सप्लाई करती है, अलग जो 13 न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई कर रही है किसको, प्लांट को. इसके अलावा सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. कुछ ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, याद आया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दी अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. और जो स्मॉल क्वांटिटीज में यूज हो वो क्या होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे. डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सस्पेक्टिबिलिटी टू डिजीज. अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, डिजीज क्या होगी, कॉलोनी स्टार्ट होगी. टू इंक्रीज द यील्ड, द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. इसलिए यील्ड को इंक्रीज बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सकते हैं मैन्योर की फॉर्म में या फिर फर्टिलाइजर की फॉर्म्स में. तो अब बारी आती है न्यूट्रिएंट्स की, कि वो किस किस मीडियम से सप्लाई होते हैं. ठीक है, किस किस मीडियम से सप्लाई होते हैं. So, जो अगर मीडियम की बात करें तो तीन मीडियम होते हैं जनरली हमारे, एयर, वाटर एंड सॉइल. तो न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहे हैं वो तीनों मीडियम से मिल रहे हैं, एयर से भी, वाटर से भी, सॉइल से भी. एयर की बात करते हैं तो एयर से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन. दोनों क्या है, हमारी बॉडी में मतलब मोस्टली नीडेड होते हैं. ऑक्सीजन हमारे उसमें किस चीज में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. ठीक है, दोनों क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है. ये किस मीडियम से हमें प्रोवाइड होते हैं, एयर के. एयर में काफी सारी गैसेस की प्रेजेंस होती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, मिथेन हो गया, इथेन हो गया. ठीक है, और काफी सारी गैसेस अवेलेबल होती है. बट हमें किस किस चीज के न्यूट्रिएंट्स की जो हमें नीड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन की, और वो हमें मिल कैसे रहे हैं, बाय एयर. तो हमारे लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन का मीडियम क्या होगा, एयर होगा. देन आता है बाय वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर को अगर हम साइंटिफिक वे में लिखे तो H2O लिखते हैं, दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर वाटर जो है, वाटर से हमें जो दो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्या क्या है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों हमारे लिए काफी ज्यादा नीड है. तो दोनों क्या मिल रहे हैं, हमें वाटर से मिल रहे हैं, बाय सॉइल. अब ना हमारे दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट में नीडेड होते हैं हमारी बॉडी में. बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं,
काफी कम अमाउंट में नीडेड होते हैं। दैट मींस कि मैक्रो की जो नीड है वो काफी ज्यादा है। मैक्रो के कुछ न्यू मैक्रो के न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के इतना मेजर नहीं करते जितना मैक्रो के करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल क्या क्या है जो हमें सॉइल से प्रोवाइड हो रहे हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये क्या हो गए? हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। अब बारी आती है हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो इतने ज्यादा नीडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू या फिर कंपेयरिंग टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो कौन कौन से? आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इतने ज्यादा नीडेड नहीं होते। अब आते हैं मैन्योर के बारे में कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर के कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर की लार्ज क्वांटिटी में कंटेन करता है, एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और क्या सप्लाई करता है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ठीक है, तो मैन्योर क्या है? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या कंटेन कर रहा है मैन्योर? ऑर्गेनिक मैटर। और क्या सप्लाई कर रहा है? कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट किसको? सॉइल को। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स क्रेटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर प्रिपेयर कैसे किया जाता है? डिकम्पोज एनिमल्स क्रेटा, मतलब अगर हम बात करें एनिमल्स क्रेटा के डंग के अलावा या प्लांट वेस्ट के अलावा जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज को यूज करके, या उनकी बॉडी से डायरेक्ट मैन्योर की होती है फॉर्मेशन हो जाती है। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर किस चीज में हेल्प कर रहा है? एनरिचिंग सॉइल करता है। दैट मींस कि न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा अलग जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा। किसकी? सॉइल की फर्टिलिटी को। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। द बल्क ऑर्गेनिक मैटर का बल्क में इन मैन्योर में किस चीज में हेल्प करता है? सॉइल के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। अगर मैन्योर के अलावा अदर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं जो केमिकली बनाए जाते हैं, अगर हम उन्हें यूज करते हैं तो जनरली सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है खराब होने लगती है। सॉइल सॉइल की अगर बात करें क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी क्या होने लगती? खराब होने लग जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती। मैन्योर क्या है? मैन्योर नेचुरल है, मतलब कुछ कोई हार्म नहीं करेगा उसे। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। इससे क्या होता है कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग, अगर सॉइल में क्या होगा, फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी तो वाटर को ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अफेक्ट करेगा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उसी के क्रॉप्स पर या फिर उसी प्लांट पर। इन क्ले सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। ये अलग हम क्ले सॉइल्स की बात करें तो वहां पे क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो दो चीज में हेल्प करते हैं, एक तो ड्रेनेज में एंड सेकेंड इज अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग में, मतलब वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। इन यूज इन मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आर एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। मैन्योर में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं। दैट कैन बी काउ डंग हो सकता है, बफेलो डंग हो सकता है, प्लांट वेस्ट हो सकता है, एनिमल एक्सक्रेटा का डिकम्पोजिशन हो सकता है, विच इज एडवांटेजेस। और किस चीज में हेल्प है ये? इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। क्या? किस चीज से? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से। ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है? फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से। दैट मींस कि फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल से बने हुए हैं। दैट मींस कि ज्यादा इनका यूज किस चीज में डिक्रीज कर देगा? सॉइल की फर्टिलिटी में या फिर सॉइल की क्वालिटी में। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को और क्या हो सकता है कि हम फार्म वेस्ट को क्या कर रहे हैं? रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिसाइकल कर रहे हैं। हमारी जो साइकिल है रिसाइकल रियूज वाली, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं? आगे चला रहे हैं।
बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज मेन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज कंपोज एंड वर्मी कंपोज एंड ग्रीन मेन्योर। ठीक है, दो चीज में से क्लासिफाइड करा है इसको, कंपोज एंड वर्मी कंपोज में, ग्रीन मेन्योर में। ठीक है, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सेट्रा काउ डंग एक्सेट्रा। अब हमें पढ़ना है कि कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो इसमें क्या प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फार्म वेस्ट जैसे कि काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट हो गया जो मतलब सड़ी गली सब्जियां जो होती है उनका वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, ठीक है, ये कुछ वेस्ट होते हैं डिकम्पोज किए जाते हैं पिट्स में, डेट मीन्स कि गड्ढों में इनको ना डिकम्पोज किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहते हैं। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और ये किस चीज भी इसमें किस चीज की जो क्वालिटी होती है, सॉरी इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की, डेट मीन्स कि ये अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स की है। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अर्थवर्म्स टू हेस्टेड द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज। कंपोस्ट इज ऑल्सो, ठीक है, अर्थवर्म्स होते हैं ना, अर्थवर्म को अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, किस लिए, डिकम्पोजिशन के लिए और प्लांट और एनिमल के लिए, तो उसमें भी क्या होता है काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्टिंग क्या था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फार्म वेस्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक एक्सेट्रा हो गया, डेट इज काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज है, डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, स्ट्रॉ है, इराडिकेटेड वीड्स है, ये कहाँ पे डिकम्पोज होता है, पिट्स के अंदर, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। अब कंपोस्ट किस चीज में रिच होता है, किस चीज की क्वांटिटी उसमें ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर की एंड न्यूट्रिएंट्स की, डेट बीज के हवाले काफी ज्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है। तो कंपोस्ट किस और किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है, अर्थवर्म का यूज करके, ठीक है, इस प्रोसेस को हेस्टिन करने के लिए डिकम्पोजिशन किया जाता है प्लांट और एनिमल रिफ्यूज का, इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब आ रहे थे ग्रीन मैन्योर की। प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और ग्वार आर ग्रोन एंड देन मर्ज्ड बाय प्लफिंग देम इनटू द सॉइल। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि क्रॉप सीड्स को सो करने से पहले ना सन कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सन हेम्प और ग्वार नामक कोई प्लांट है, वो ग्रो किया जाता है और प्लफ किया जाता है किसमें, सॉइल के अंदर। दीज ग्रीन प्लांट दस टर्न इन टू ग्रीन मैन्योर, और ये जो हरे जो प्लांट्स होते हैं ना किस चीज में बदल जाते हैं, ग्रीन मैन्योर में बदल जाते हैं, जो किस चीज में हेल्प करती है, सॉइल को एनरिच करने में हेल्प करती है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में। हमने सुना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो किसमें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में रिच करती है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, फर्टिलाइजर क्या कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट में न्यूट्रिएंट्स के लिए, और क्या क्या सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं ये, फॉस्फोरस करते हैं, पोटेशियम करते हैं। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, ये किस चीज में हेल्प होते हैं, दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, किसी में बोलते हैं, एक तो गुड वेजिटेटिव ग्रोथ में जो क्या है, लीव्स है, ब्रांच है, फ्लावर्स है, गिविंग राइज टू हेल्थी प्लांट्स, किसी चीज में बोलते हैं कि हेल्थी प्लांट्स, उससे फर्टिलाइजर आर अ फैक्टर इन दी हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स क्या है, हायर यील्ड है हाई कॉस्ट फार्मिंग का, बट फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल का बना हुआ है, डेट मीन्स कि हमें जो उसको यूज कर रहे हैं प्रॉपर डोज टाइम ऑब्जर्वेशन के अंडर कर रहे हैं, डेट इज कि फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजर क्या है, क्या कि जब हमें ध्यान देने फर्टिलाइजर को यूज करते हैं प्रॉपर डोज और क्या बोलते हैं टाइम और उनका ऑब्जर्वेशन प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस ध्यान पे रखने चाहिए, ताकि हमको यूटिलाइज जो वो कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जाम्पल समटाइम फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। कभी कभी फर्टिलाइजर्स ना हट जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब इरिगेशन होती है किसी फील्ड में, अगर वो मान लो ज्यादा अमाउंट में इरिगेशन होगी तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर ध्यान पूरी तरीके से प्लांट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे और से वो फुली वॉश आउट हो जाएंगे।
अब आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक फार्मिंग सिस्टम है जिसमें मिनिमल और या फिर नो मतलब केमिकल्स, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इनका तो थोड़ा सा या फिर ना के बराबर ये बिल्कुल ही यूज नहीं होता इस फार्मिंग के अंडर। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल फार्म वेस्ट, डिस्ट्रॉय लाइफ स्टॉक एक्सक्रेटा। क्या की एक्सक्रेटा इस क्या की चीज का यूज होता है इसमें? मैक्सिमम इनपुट मतलब ज्यादातर इनपुट हम किस चीज का करते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, डेट इज की वेजिटेबल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, लाइफ स्टॉक एक्सक्रेटा हो गया, स्ट्रॉ हो गया, इन सब चीजों का ज्यादा यूज होता है। यूज ऑफ बायो एजेंट सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्टिलाइजेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर किससे बनाया जाता है? कौन से वो बैक्टीरिया है? ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, नीम लीव्स और टर्मेरिक। नीम तो पता ही है, टर्मेरिक हो गई हेल्थी, स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज बायो पेस्टिसाइड्स विद हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इन सब जो हमने सिस्टम पढ़े इनको हम बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर से कि इसमें मेन मेन इसका क्या होता है। काफी मोस्टली हम नीम के पत्तों का या फिर हल्दी का किस चीज में, ग्रेन की स्टोरेज में हेल्प करते हैं ताकि वो क्या रहे, हेल्थी रहे। दीज क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट कंट्रोल, बिसाइड्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने से पहले भी ये क्या चीज करते हैं, जो बैक्टीरिया हो ना, बैक्टीरिया जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो वीट को खराब कर सकते हैं, ठीक है, उन सब चीजों से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इरिगेशन, मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, दैट इज द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मॉनसून एंड सफिशियंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। अब इंडिया में, अब इंडिया की बात करते हैं, ज्यादातर जो इंडिया में एग्रीकल्चर है रेन फेड, ठीक है, रेन बारिश की वजह से। द सक्सेस ऑफ क्रॉप इन मोस्ट एरिया, ज्यादातर जो क्रॉप्स की सक्सेस है मोस्टली एरिया में डिपेंडेंट होती है किस पे, टाइमली मॉनसून पे एंड सफिशियंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, या फिर किस पे, क्योंकि बहुत सारे रीजन में अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या होता है, सफिशियंट रेनफॉल होती है, टाइमली मॉनसून आते हैं, तो वहां पे तो कोई स्पेसिफिकली किसी और हमें इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे मोस्टली ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, ये रेनी सीजन टाइम पे क्या होती है, एग्रीकल्चर हो जाती है। हेल्थ पुअर्स मॉनसून कॉज क्रॉप फेलियर, बट अगर जो मॉनसून हो पुअर हो, डेट मीन्स कि प्रॉपर अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट में मॉनसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई, तो क्रॉप का फेलियर हो जाता है, डेट मीन्स कि क्रॉप खराब हो जाएंगे। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन। ठीक है, अब क्या बोला हमने, ये बात ध्यान में रखते हुए कि जो वाटर है सही समय पर पहुंचे जब उसकी ग्रोइंग स्टेज है, तो इसलिए हमने क्या करा, इरिगेशन का मेथड लेके आए। इंडिया हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेराइड क्लाइमेट। इंडिया के पास क्या है, काफी ज्यादा वेराइटी है वाटर के रिसोर्सेज की, और वेराइटी है किसमें, क्लाइमेट की भी वेराइटी है इंडिया के पास। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, अब पहले क्या आता है, इसने क्या बोला कि अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम क्या है, अडॉप्ट करे अलग अलग लोगों ने सप्लाई करने के लिए वाटर को एग्रीकल्चर लैंड से, डिपेंड करने के लिए काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स, किस काइंड ऑफ वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, किस चीज में इंक्लूड करता है, वेल्स हो गया, कुएं होते हैं, ठीक है, अक्सर नॉट इन अर्बन एरियाज बट रूरल एरियाज में हमें अक्सर क्या होता है, ये कुएं वगैरह देखने को मिलते हैं। ये क्या है, वाटर का सोर्स है, कैनाल्स है, ठीक है, ये भी क्या वाटर का सोर्स है, रिवर हो गया, टैंक्स हो गया, सब क्या है, वाटर का सोर्स ही है। जो किस चीज में होते हैं, इरिगेशन में, अगर कभी मॉनसून नहीं आया ढंग में, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में सफिशियंट रेनफॉल नहीं हुई, तो उस समय हम क्या करते हैं, यहाँ से वहां तक पानी का कर सकते हैं, इजिली सप्लाई कर सकते हैं। वेल्स क्या, देयर टू टाइप्स ऑफ वेल, दो टाइप के वेल होते हैं, नेमली डग वेल होता है और ट्यूब वेल्स होते हैं। ठीक है, इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। डग वेल में क्या होता है, कुएं में होते हैं ना कि रस्सी सी बंधी होती है, वहां से हमें पानी खींचना होता है, और जो ट्यूब वेल्स होते हैं वो होते हैं टैप वाटर, ठीक है, जो हमारे घरों में, हम रूरल एरियाज में देखने को अक्सर मिलते हैं, अर्बन में भी मिलते हैं, क्योंकि
क्या होते हैं जो नल लगे होते हैं, फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा, फ्रॉम दीज वेल वाटर इज लिफ्टेड अप बाय पंप्स ऑफ इरिगेशन। अब इससे पानी ऊपर कैसे आता है, इरिगेशन की मदद से, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए रूरल में तो मोस्टली लोग सिमर समर सिमर करा के रखते हैं ताकि जो वाटर हो इजिली आ सके, एक्सेसिबल हो जाए। बात करते हैं कैनाल्स की, तो कैनाल्स क्या है, दिस इज यूजुअली एन एलाबोरेट टू एन एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। क्या है, एक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है जो मोस्टली यूज किया जाता है। इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वियर्स और फ्रॉम रिवर्स। इस सिस्टम में क्या होता है कि कैनाल भी कहाँ से वाटर, कैनाल के पास कोई अपना वाटर नहीं है, या तो रेनफॉल की उससे जो रेनफॉल हुई उसमें उससे वाटर आया, या फिर वो किसी और अलग सोर्सेस से वाटर ले रहा है, या तो रिवर हो गई या फिर लेक पॉन्ड वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड्स। जो मेन कैनाल होती है उसे भी अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अलग अलग जगह पे फील्ड को इरिगेट कर पाए। रिवर लिफ्ट सिस्टम, इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशियंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वॉयर रिलीज, द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल। अब कुछ एरियाज में क्या होता है कि कैनाल फ्लो सफिशियंट नहीं है, हमें उतना वाटर क्या हो रहा है उससे मिल नहीं पा रहा है जितना हमें नीडेड है, या प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर टाइम में नहीं मिल पा रहा, या प्रॉपर अफोर्ड नॉट अफोर्डेबल नहीं बोलेंगे तो प्रॉपर एसेसिबल नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लिफ्ट सिस्टम काफी ज्यादा को उसको क्या प्रायोरिटी दी जाती है। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर। वाटर क्या होता है, डायरेक्टली ड्रॉन किया जाता है रिवर से सप्लीमेंटिंग इरिगेशन, ठीक है, ताकि जो इरिगेशन से सप्लीमेंट किया जाए उसके आसपास में। अब आ रही थी टैंक्स की, जो टैंक्स क्या है, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर। टैंक्स भी हमारे जो घर में तो हम टंकी से बोलते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें जो होता है वाटर स्टोर रहता है, विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरियाज। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। फ्रेश वाटर की अगर इनिशिएटिव बात करें हम, तो क्या क्या लिए गए थे कि एग्रीकल्चर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस आया था, वाटरशेड मैनेजमेंट आया था। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच लीड टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक, ग्राउंड वाटर लेवल में भी क्या होता है, जो डैम्स वगैरह होते हैं ना वहां से पानी में इजिली मिल जाता है। दिस चेक डैम्स स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब क्या हो रहा है, जो चेक डैम्स है वो क्या करते हैं, रेन वाटर का फ्लो स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। रेन वाटर जो फ्लो करता है कहाँ, दूर, उसके मतलब यूज में नहीं आ रहा, मेन बात है कि यूज में नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या होता है उसको हम कहाँ पे किस तरफ मोड़ देते हैं, फील्ड की तरफ मोड़ देते हैं ताकि सॉइल इरोजन भी क्या रहे, रिड्यूस रहे। यहाँ पे क्या होता है, मैं चैप्टर खत्म होते भी छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, उनको क्या किस चीज की नीड है, फूड की। फूड क्या उनकी मेन डिजायर है, फूड क्या क्या सप्लाई करती है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करती है, फैट्स विटामिन मिनरल सप्लाई करती है, जिसमें सबसे ज्यादा हम जो हमें क्वांटिटी में चाहिए वो क्या क्या है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटीन क्या प्रोवाइड कर रहा है, मसल बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड फैट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर्ड एनर्जी को प्रोवाइड करता है फैट। अब जो हम अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों क्या है, मेन सोर्स है हमारी ह्यूमन के लिए। प्लांट्स एनिमल्स चलो डिपेंडेंट हो सकते हैं प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट क्या है, इंडिपेंडेंट है अपने फूड के। हमें मोस्टली खाना कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है, फिर एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे इंडिया की बड़ी रैपिडली, ठीक है, कुछ से हमारे वो चाइना को भी पीछे कर देगी, टॉप वन पोस्ट में आ जाएगी। फिर हमने इंटेंसिवली कल्टिवेटेड पढ़ा था, ठीक है, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और क्या क्या था कि हमने किस मतलब माल न्यूट्रिशन हंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करा था। क्रॉप यील्ड में कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस करा था। देन कि हमने भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ जो क्रॉप्स होते हैं अलग सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ अलग सीजन में ग्रो करते हैं, किसी की अलग डिजायर होती है ग्रो करने की, किसी का अलग हैबिटेट होता है, ठीक है, इन सबको डिस्कस करा था। फिर हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो जिसे हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते, क्या क्या थी, वो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट थी, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट थी, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट था।
फिर हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को डिटेल में पढ़ा था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, एक ऐसी क्रॉसिंग जिसमें जेनेटिकली डिससिमिलर प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया जाता है। देन हमने क्या पढ़ा था, हाई यील्ड के बारे में पढ़ा था, बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन के बारे में, वाइडर अडेप्टिबिलिटी के बारे में। फिर हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या क्या है, उसको हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था कि लो कॉस्ट होता है, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की जाती है। देन हमने डिस्कस करा था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमें जो है कहाँ कहाँ से मिल रहा है। हमने कुछ मीडियम के बारे में पढ़ा था, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मेलिबिडियम एंड क्लोरीन। देन हमने पढ़ा था मैन्योर, ठीक है, मैन्योर क्या है, अच्छी चीज है, क्यों, क्योंकि ये आपको ऐसे केमिकल वगैरह से मिलके नहीं बनी, ये किस चीज से बनी है, ये बनी है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, जो किस चीज में रिच है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है। दो टाइप्स पढ़े थे हमने इसके, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एंड सेकेंड वन इज ग्रीन मैन्योर। देन हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि क्या सप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को सप्लाई करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा था कि अच्छी फार्मिंग है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे मिनिमल यूज होता है, फिर बिल्कुल यूज नहीं होता, किसका, केमिकल्स का, जो क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। और किस चीज का ज्यादातर यूज होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिसाइकल वाले प्रोसेस होते हैं, कि जो चीज यूज में नहीं है उसे वापस हम रिसाइकल में लेके आ रहे हैं। देन है इरिगेशन, इरिगेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अगर हमें सफिशियंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा उस पर्टिकुलर फील्ड को, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पे इरिगेशन का मेथड आया। इरिगेशन में हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिल रहा था, वेल से, कैनाल से, रिवर से, टैंक से, हमने एक एक करके इनको डिस्कस करा था कि वेल्स क्या है, दो टाइप के वेल पड़े थे, डग वेल था, ट्यूब वेल था, कैनाल था, रिवर लिफ्ट सिस्टम पढ़ा था हमने, टैंक्स पढ़ा था, ओवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ प्रोसेस को देखेंगे, कुछ मैनेजमेंट को देखेंगे, वहां पे मैं सब डिस्कस करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे फिट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।